हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ICT एकेडमी। मैं आप लोग को इस वीडियो में स्कॉलरशिप इकलान से रिलेटेड पेंडिंग के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसा पेंडिंग है जो बहुत को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या होता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप इकलान अप्लाई किए हैं और आपका इस तरह का अगर पेंडिंग आया है तो मैं आप लोग को बता दूँ, आपका कोई भी पेंडिंग अगर आया तो इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगा कि उस पेंडिंग का मतलब क्या होता है और आप लोग को कैसे फिर दोबारा अपलोड करना रहता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हुए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अपने तरफ से एक लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी पेंडिंग अगर आ जाए तो उसको क्या करना रहता है इस वीडियो के माध्यम से वो जान जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बताऊँगा इस वीडियो में कि DA पेंडिंग और DW पेंडिंग क्यों करते हैं और कोई क्या रीज़न रहता है। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर DW ऑफिसर पेंडिंग है। तो बहुत का कमेंट आया है कि DW ऑफिसर पेंडिंग आया है तब क्या करेंगे, हम लोग को आधार लिंक करने के लिए बोला जा रहा है अकाउंट से। तो आपका अगर इस तरह का पेंडिंग आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग है DW ऑफिसर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका बैंक खाता के साथ आधार सेटिंग नहीं है जिसके कारण पेंडिंग हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका बैंक खाता के साथ आधार लिंक नहीं है तो पेंडिंग हुआ है, और अगर आपका आधार लिंक है फिर भी पेंडिंग बता रहा तो आप ऐसा अकाउंट दीजिए, अपडेट कीजिए जिसमें पहले से आधार लिंक होगा। ठीक है, आपके सब पास हो सकता है कि आपका नाम से ही डबल अकाउंट अगर है तो उसमें अगर आधार लिंक है तब उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंक में जाकर एक बार आधार सेटिंग करा के देखिए, अगर हो जाता है तो सेम अकाउंट को दोबारा अपडेट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप नया अगर आपके पास अकाउंट है या फिर कोई एक नया अकाउंट ओपन कर लीजिए एक दो दिन के अंदर ही, और बोलिए आधार सेटिंग मस्ट कर दीजिएगा, मतलब आधार सेटिंग एकदम जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद उसको अपडेट करने का टाइम मिलता आप लोगों के पास, 15 दिन का टाइम है। तो आपको पता होगा ही कि आपके मोबाइल पर मैसेज आता है DW पेंडिंग के, तो पेंडिंग का मैसेज आप 15 दिन से पहले ही आप अगर काम कर लेते हैं तो आपका DW पेंडिंग हट जाएगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको आधार अपडेट करके, आधार बैंक में आधार लिंक करके आपको दोबारा इसको लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन करके फिर अपडेट वाला ऑप्शन में अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में दो पेंडिंग के बारे में बताऊँगा, एक DA पेंडिंग और DW। तो DW पेंडिंग करेगा तो आधार लिंक करने के बाद आपको फिर से इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको अपडेट करना है। तब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अपडेट करने के लिए जाएंगे तो आप लोग पास इस तरह पूछा जाएगा बैंक का डिटेल्स। बैंक का डिटेल्स को डालने के बाद जैसे जैसे फॉर्म भरते थे उसी टाइम मांगा जाता था, वही सब बैंक डिटेल्स आपको डालना है, अपना अकाउंट नंबर सही से डालना है और सबमिट कर देना। ठीक है, इसमें आप लोग लापरवाही नहीं करें, अच्छा से केयरफुली अपना ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करके, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बैंक ब्रांच सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर को 10 बार चेक करके सबमिट करें। ठीक है, कोई भी जल्दी से सबमिट नहीं करे कि रॉन्ग इनपुट हो जाए। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया है कि ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, तो थोड़ा देर के लिए जल्दी के लिए गलती हो जाता है, तो मिस्टेक नहीं करें, आराम से आसान से मतलब अच्छे से फॉर्म को सबमिट करके दोबारा सबमिट कर दें तो फिर आपका DW ऑफिसर फिर आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और बहुत का इस तरह का DA पेंडिंग भी आया है, तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या रीज़न होता है, आपको दोबारा क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि कोई भी इकलान रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमको शेयर कीजिए, मैं आपका शॉर्ट आउट जरूर करूँगा। ठीक है, और कमेंट करें आपका कितना दूर अपडेट हुआ, और एक वीडियो को अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आप लोग को DA पेंडिंग का भी कुछ नया पेंडिंग रीज़न बताता हूँ और आपको क्या करना रहता है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग के पास इस तरह का DA पेंडिंग आता है कि प्रेजेंट स्टडिंग ईयर रॉन्ग एज़ पर मार्कशीट, तो आप लोग ध्यान रखें कि आपका मार्कशीट में जो प्रेजेंट स्टडिंग ईयर है तो आप लोग याद करें कि आप कौन सा सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आप अपना स्टेटस को चेक कर ले अभी, अगर आप सेमेस्टर वाइज में पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टेटस को, बहुत का मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है DA पेंडिंग, बहुत का नहीं आता है, तो आप फटाफट अपना लॉगिन करके स्टेटस को देख लें। अगर आपका DA किसी तरह का पेंडिंग आता है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एज़ पर मार्कशीट। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट जिस ईयर में पढ़ रहे हैं उसका मार्कशीट को अपलोड नहीं किए हैं, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो क्या मिस्टेक है मैं आप लोग बता दूँ
कि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो सेमेस्टर 3 का मार्कशीट था और स्कॉलरशिप अभी डी ए पेंड अप्रूव होते होते आपका सेमेस्टर 4 का मार्कशीट भी आ गया। ठीक है, तो जैसे सेमेस्टर 4 का मार्कशीट आ गया तो सेमेस्टर 4 का मार्कशीट को अपलोड कर दिए, और उससे पहले आपको एडिट कर लीजिए कि आप सेमेस्टर 5 में चले गए तो थर्ड ईयर में पहुँच गए। तो पहले एप्लीकेशन को एडिट कर लिए और थर्ड ईयर कर लिए, सबमिट मारने के बाद दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किए और एप्लीकेशन फॉर्म को भी स्कैन करके फिर दोबारा अपलोड किए और सेमेस्टर 4 का मार्कशीट को अपलोड किए। ठीक है, तो लॉगआउट करने से पहले आपको दो को काम करना है। सबसे पहले लॉगिन करके इसको सेकंड ईयर को थर्ड ईयर करना है, करने के बाद आपको नया मार्कशीट को अपलोड करना है और जो प्रिंट आउट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको भी सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, और उससे पहले अपने वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं नया टॉपिक नया वीडियो पर।